देख लीजिए क्या शेयर बाजार ने आपको रिटर्न दिया है। सो सारी मंदी, सारी जो दुख था वैक्सीन का, वो सब हो गया। स्टॉक मार्केट इज एट अ न्यू हाई एंड द लेफ्ट आउट फीलिंग इज वेरी लार्ज, बट एक्सट्रीमली कॉशियस हेयर बिकॉज देर इज बीन अ वन वे रन अप और आपको रिजल्ट्स की वेट करनी चाहिए बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द रैली इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। हाउएवर जैसे आपको कहा, अभी हमारे पास थोड़ा सा हेज पोर्टफोलियो है, तो दो बाइस दो सेल हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। मैं यहां अपडेट देना चाहता हूं सर, मैंने बहुत जोर से 8, 8.5, 9, 9.5, 10 में आइडिया कहा था, 12 का टारगेट, 12 हो गया है। जिन्होंने मेरे कहने पर लिया है 40% का रिटर्न आया, बुक कीजिए। मैंने सेल में बहुत जोर से आपके यहाँ 35, 38, 40, 45 पे कहा था, 78 हो गया, वहां बुक कीजिए। और डाबर, सिप्ला, HDFC लाइफ, दीज हैव बीन माय 3 बिग पिक्स एंड दे हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। सो इफ यू हैव मेड मनी प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स आल्सो। अब आप कहें तो मैं दोनों कॉल दूं, दो बाय किए हैं सर और एक सेल है जी। बताइए सर, कौन से चार स्टॉक आइडियाज आप शेयर करना चाहते हैं इस समय? तो हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो सबसे पहला बाय होएगा सर मेरा, इंश्योरेंस पे बहुत बुलिश हूँ। HDFC लाइफ, SBI लाइफ मेरे टॉप पिक्स थे। आई नाउ एम वेरी वेरी बुलिश ऑन ICICI प्रू। 503 का भाव है, 500, 250, 3 में लीजिए। 492 का स्टॉप लॉस है, 535। आई थिंक दिस कैन सुपर सीड नाउ इन दिस नियर टर्म एज एन आउट परफॉर्मर। सो ICICI प्रूव विद मी माई टॉप पिक। बैंक ऑफ बड़ौदा, PSU बैंक्स विल कम आउट विद वेरी स्टेलर नंबर्स। तो 64, 50, 65 में लीजिए। 62, 75 का स्टॉप लॉस रखिए, ये 68 to 69 जा रहा है। और सेल में है सर इंडसइंड बैंक, 903 से 908 में बेचिए, 918 का स्टॉप लॉस है, 875 का टारगेट। ओके, याद रखिएगा इंडसइंड बैंक पे थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है भसीन साहब का, तो वो इक्वली बैलेंस चल रहे हैं। अगर आप देखें टारगेट करीब करीब 875 का, 918 का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके बाद इससे पहले अगर आप देखें सरकारी बैंकों में, जिसमें शुक्रवार को यानी सीरीज के पहले दिन मूव जनरेट हुआ था, उसको लॉन्ग करेंगे BOB को। और ICICI प्रूफ करीब करीब 535 के टारगेट के लिए लॉन्ग करना है। इंश्योरेंस पे वो काफी फोकस कर रहे हैं, तो ICICI प्रूफ और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 6850 का टारगेट रहे।